हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्स जूल साइकिल या बेल कोलेनाल साइकिल या बेटन साइकिल। ठीक है, इसमें जो है हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो साइकिल होता है, इस साइकिल में कैसे इसका प्रोसेस चलता है और इसके लिए कैसे वर्क डन निकलेगा और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा और इसके लिए जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या होगा, इस चीज को आज देखेंगे। ठीक है, देखिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है क्या है, ये देख लीजिए, ये जो हमारा कुछ डायग्राम बना है, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक कंप्रेसर लगा हुआ है, क्या यहाँ पे एक कंप्रेसर लगाए हैं। कंप्रेसर में क्या है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट के लिए है, इसमें एयर को हम रेफ्रिजरेंट लिए हैं, क्या एयर हमारा क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस चलाते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, यहाँ प्रोसेस जो यहाँ पे हमारा चल रहा है कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन जब यहाँ पे होगा किसी भी सिस्टम में, क्या 1 से 2 में क्या कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन जब होगा तो आप ये जानते हैं जब किसी भी सिस्टम में कंप्रेशन होगा तो उसके प्रेशर में क्या होगी, बहुत तेजी से इंक्रीजिंग होगी और उसी के साथ साथ क्या उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हमारा देखिए प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या हो जा रही है, टेम्परेचर भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्रोसेस 2 से 3 क्या होगा, 2 से 3 में हमारा क्या कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हमारा इसमें जो भी हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जो हमारा ये जूल साइकिल होता है, जूल साइकिल में क्या होता है कि इसमें जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा इस पे होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो प्रोसेस 2 से 3 होगा इसमें हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस होने के कारण जो है इसमें क्या होगी, जो हमारी टेम्परेचर होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी और इसी के साथ साथ जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो ये प्रोसेस 2 से 3 चलेगा इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। अब देखिए प्रोसेस जो 3 से 4 होगा, प्रोसेस 3 से 4 जो होगा ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस चल रहा है, कौन सा, 2 से 3 वाला कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन 3 से 4 क्या हो रहा है, ये भी आइसेंट्रोपिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था और यहाँ पे इस प्रोसेस के ना 2 से 3 से 4 जो हमारा चलेगा इसमें आइसेंट्रोपिक जो हमारा होगा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या एक्सपेंशन, जो आइसेंट्रोपिक क्या होगा, एक्सपेंशन होगा प्रोसेस 3 से 4 में। ठीक है, प्रोसेस 3 से 4 जो हमारा प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या होगा, आइसेंट्रोपिक क्या एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन होगा। अब देखिए जो यहाँ से अब एक्सपेंशन होगा, अब प्रोसेस 4 से 1 जो हमारा होगा क्या होगा, जो 4 से 1 हमारे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन एक चैम्बर है, ये चैम्बर लगा है और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस लगा है। एक्सपेंशन डिवाइस से क्या है, हम उस रेफ्रिजरेंट को उसमें वो फैलाएंगे और उससे क्या होगा हमारा जो है यहाँ पे एक्सपेंशन में, आप जानते हैं यहाँ पे वैल्यूम कम हो गया था, देखिए वैल्यूम की जो है हमारा कम था, लेकिन इस प्रोसेस में जो एक्सपेंशन डिवाइस में हम लाए हैं उसको रेफ्रिजरेंट को, तो वहां से जब फैल रहा है तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो उससे वैल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है, उसके एरिया कब ज्यादा कवर कर रहा है, तो देखिए एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे एरिया ज्यादा कवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा और एक्सपेंशन डिवाइस जो है अपने अपने पास से जितने भी हमारा उसका रेफ्रिजरेंट होगा उसको क्या किसको दे देगा, फिर वेपर जो यहाँ पे चैम्बर होगा, रेफ्रिजरेशन चैम्बर जिसे हम कह देंगे, इसे हम कह सकते हैं इवेपोरेटर भी कह सकते हैं, क्या इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या होता है, इसमें इससे क्या होता है, हीट को ऐड किया जाता है, हीट यहाँ से ऐड होता है किसी भी सराउंड से जहाँ से हमको हीट को निकालना होता है। ठीक है, वहां से हीट को यहाँ से निकाला जाएगा तो प्रोसेस जो हमारा 4 से 1 होगा, प्रोसेस 4 से 1 में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें होता है, मतलब क्या है कि यहाँ से हीट को निकालते हैं और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हमारा हीट होता है क्या होता है, रिजेक्ट होता है कंडेंसर प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा हमारा जो यहाँ से जो हीट रहेगा, हीट क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, अब यहाँ ये यह हो गया। अब देखिए इसके लिए जो है हम देखते हैं कि इसका जो वर्क डन इसका कितना होगा, वर्क डन देखिए, वर्क डन क्या निकलेगा ये आप समझ ही गए होंगे। देखिए वर्क डन प्रोसेस कितने के लिए, प्रोसेस 4 to 1 में क्या होगा हमारा, 4 to 1 में जो हमारा होगा क्या होगा, इधर ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस 4 to 1 के लिए जो हमारा RE होगा, देख लीजिए कितना होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, तो स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस हमारा हो जाएगा, तो 4 पे है 1 है ना,
तो हो जाएगा टी वन माइनस टी फोर हो जाएगा, टी वन माइनस टी फोर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए इसके इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा, यही हमारा क्या चल रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो कंप्रेशन प्रोसेस जो हमारा होगा, इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, वर्कडन होता है। तो वर्कडन हमारा जो भी होगा, वर्कडन जो हमारा होगा, तो वर्कडन कितना हो जाएगा, देखिए प्रोसेस फोर से वन, प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे चलेगा किसमें, प्रोसेस वन से टू में क्या होगा, हमारा वर्कडन होगा। तो वर्कडन जो हमारा होगा देखिए कितना हो जाएगा, वर्कडन हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वन से टू है ना, तो टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। ठीक, कितना ज्यादा है, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, लेकिन किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट लिखिए वर्कडन हो रहा है ना, तो हीट रिजेक्शन इसमें क्या होगा, जो हमारा कंडेंसर हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसर प्रोसेस में, मतलब हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से हीट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हीट ऐड जितना भी होगा, जितना हीट ऐड होगा और जितना हीट रिजेक्ट होगा, उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वही जो हो जाएगा हमारा क्या, वर्कडन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस जो हमारा चलेगा कौन सा प्रोसेस, ये वाला टू से थ्री, तो यहाँ पे जो हमारी क्यू हो जाएगी, कौन सी हीट जो हमारी होगी, यहाँ पे देखिए जो रेफ्रिजरेशन हमारा इफेक्ट होगा वही किसके, क्यू के बराबर होगा, जो हमारा क्यू होगा यहाँ पे हीट होगा वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। देखिए और वर्कडन जो हमारा यहाँ पे निकलेगा कितना हो जाएगा, क्यू क्यू जो ये प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा हीट जो है रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हीट क्या हो रहा है, एड हो रहा है। तो हीट जब ऐड होगा प्रोसेस, देखिए इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा वर्कडन होगा, वर्कडन देखिए कैसे निकलेगा, क्यू टी थ्री से टू, मतलब जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा हीट होगा उतना माइनस जो रिजेक्ट हो रहा है हीट, और जितना हीट ऐड हो रहा है उतने से माइनस कर देंगे, क्यू कितना हो जाएगा, फोर से वन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे इसके वैल्यू को रख दें, अब वैल्यू देखिए रखते हैं कितना, प्रोसेस फोर टू वन के लिए, प्रोसेस के लिए ये है ना, और लेकिन इसके लिए क्या आएगा, देखिए थ्री टू वन प्रोसेस के लिए जो हमारा हो जाएगा, इसमें इस पे एड कांस्टेंट जो है हमारा प्रेशर पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा टी टू माइनस टी थ्री हो जाएगा। ठीक है, टी टू माइनस टी थ्री हो जाएगा, और माइनस इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखा हुआ है, तो सीपी इंटू कितना हो जाएगा, टी वन माइनस टी फोर। ठीक, इस तरीके से क्या है हमारा, इसमें आ गया इसका क्या आ गया, वर्कडन निकल गया। अब वर्कडन जब इसका निकल गया, तो आप जानते हैं सीओपी इक्वल टू क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है इतना इक्वल टू होता है आर ई अपान क्या होता है, वर्कडन होता है। ठीक, वर्कडन मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपान वर्कडन, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना आया है, देखिए सीपी हो जाएगा अपान हो जाएगा टी वन माइनस टी फोर, अपान में कितना लिख सकते हैं, सीपी इंटू टी टू माइनस टी थ्री, और हो जाएगा कितना, माइनस सीपी इंटू टी वन माइनस टी फोर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब यहाँ से आप सीपी सीपी कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से जो हम सीपी कॉमन ले लेंगे सीपी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा टी वन माइनस टी फोर अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से सीपी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा क्या टी टू माइनस टी थ्री, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा टी वन माइनस टी फोर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से सीपी सीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा आएगा यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए इसमें से क्या है, हम फोर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कितना टी फोर को कॉमन लेते हैं, तो टी फोर जो हमें इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा टी वन अपान टी फोर हो जाएगा, टी वन माइनस टी वन अपान टी फोर हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना बच जाएगा वन अपान, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा टी थ्री, जब कॉमन ले लेंगे इसमें से, देखिए जब यहाँ से हम कॉमन लिए इसको कोष्ठक में कर दीजिए और टी फोर आगे लिख दीजिए। ठीक है, कितना टी फोर यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए टी फोर जब यहाँ से निकलिए, यहाँ कितना थ्री निकाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा टी टू अपान कितना हो जाएगा, टी टू अपान हो जाएगा टी थ्री, टी टू अपान टी थ्री माइनस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा टी वन अपान टी फोर। ठीक है, यहाँ पे कितना ले रहे हैं टी फोर कॉमन ले रहे हैं, टी फोर कॉमन ले रहे हैं, अब इसके लिए क्या हो जाएगा टी वन अपान टी फोर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा वन। ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, सीओपी निकल गया। इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अभी इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब और वीडियो मतलब इस तरीके से क्या है, हम सीओपी देख लिए और सीओपी हमारा निकल गया, लेकिन ये हम क्यों इस प्रोसेस में लाए हैं, क्यों इस तरीके किए हैं, अभी देखते हैं इसको आगे जो हमारा प्रोसेस होगा उस तरीके, मतलब यहाँ पे अभी हम इसका जो है अलग तरीके से प्रोसेस देखते हैं, उसके लिए सीओपी कैसा निकलेगा उस चीज को देखेंगे, लेकिन ये जो है हम इसको अभी ऊपर कर रहे हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सीओपी हो गया क्या, हमारा सीओपी निकल गया, सीओपी इतना निकला था, कितना, इतना सीओपी इक्वल टू इतना आ गया, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जो प्रोसेस हमारा वन से टू चल रहा है और थ्री से फोर आ रहा है, ये प्रोसेस हमारा कैसा है, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है, कैसा, आइसेंट्रॉपिक। तो जब आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में हमारा क्या होगा, देखिए जो हमारा ये फार्मूला बनेगा क्या, T2 upon T1 equal to P2 upon P1 power gamma minus 1 upon gamma हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है, प्रोसेस 3 से 4 के लिए भी हो जाएगा, T3 upon T4 equal to P3 upon P4 और गामा माइनस 1 अपान गामा। इस तरीके इस फॉर्म में हम क्यों लिखे थे, इस चीज को अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको हम इक्वेशन ये मान लेते हैं, इसको इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं, बी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मैं पहले से लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देखिए जब इतना आप लिख दिए तो आप ये जानते हैं कि ये जो है प्रोसेस जो हमारा चल रहा है कंडेंसर का इवेपोरेटर का, इसमें जो हमारा पी टू है क्या है, पी टू हमारा प्रेशर है, पी टू किसके बराबर है, पी थ्री के बराबर है, किसके, P3 के बराबर है, और जो हमारा P1 है किसके बराबर है, P1 equal to P4 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है आपस में। तो जब ये आपस में इक्वल है तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो P2 है, P2 की जगह पे कितना रख सकते हैं, P3 रख सकते हैं, ठीक। P2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, P3 को रख सकते हैं, और P1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, P4 रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो जाएगा T2 अपान क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इस फॉर्मूले में रखिए, तो P2 इक्वल टू कितना है, P3 है, और P1 इक्वल टू कितना है, P4 है, पावर हो जाएगा गामा माइनस वन अपान गामा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ से नहीं, इस पे केवल पावर लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हो गया, अब ये निकल गया। अब देखिए यहाँ से आप ये जान रहे हैं कि जो ये हमारा इक्वेशन बना, इक्वेशन ये जो था ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि जो ये साइड है और इस साइड में क्या आपस में इक्वल, मतलब सेम है, दोनों आपस में सेम है। तो जानते हैं जब एक साइड एक पक्ष क्या है बराबर होता है, दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा T2 upon T1 इक्वल टू हो जाएगा T3 upon T4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा आ गया। अब यहाँ से आप ऐसा थोड़ा इसको कर सकते हैं ऐसा इस तरीके से कि T1 upon T4 कर सकते हैं ना, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, इसको जो है यही रहने दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा T2 upon कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। अब आप एक काम करिए, इसमें क्या है, दोनों पक्ष में क्या करिए, आप दोनों पक्ष में माइनस कॉमन कर, माइनस दोनों पक्ष में माइनस कर दीजिए, माइनस क्या है, दोनों एक एक जो है माइनस कर दीजिए दोनों पक्ष में, तो हो जाएगा T1 upon T4 हो जाएगा, माइनस वन कर दीजिए, और उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे T2 upon T3 है ना, यहाँ भी माइनस वन कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या है हमारा एक इक्वेशन, यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आया इस तरीके से हो गया। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, T1 upon T4 minus 1 equal to T2 upon T3 minus 1 जो है ये आपस में बराबर है। तो आप इक्वेशन अब सेकंड देखिए, इक्वेशन सेकंड में आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आप T1 upon T4 equal minus 1 है और T2 upon T3 minus 1 है, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा T2 upon T3 minus 1 है, इसकी जगह पे हम इतना रख सकते हैं T1 upon T4। तो T1 upon T4 जब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस वन, तो इसमें से और इसमें जो है T1 upon T4 कॉमन हो जाएगा, और इससे जो है ऊपर वाला ये भाग जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे हमको क्या बचेगा, खाली जो हमारा सीओपी रह जाएगा, सीओपी हमारा क्या रह जाएगा, T4 upon हो जाएगा कितना, T3 minus T4। इस तरीके से हमारी सीओपी क्या बचेगी, ये सीओपी बचेगी। अब इसको थोड़ा हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर T4 को हम क्या करें कॉमन ले लें, तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 upon हो जाएगा, T4 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हो जाएगा T3 upon T4 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब आप ही जानते हैं T3 upon T4 equal to क्या, आप देखे हैं यहाँ पे T3 upon T इतना रख सकते हैं ना, तो ये भी रख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर चाहे तो इसको थोड़ा इस तरीके से भी रख सकते हैं, 1 upon हो जाएगा हमारा कितना, P3 upon P4 power क्या हो जाएगा, gamma minus 1 upon gamma हो जाएगा। इस तरीके से क्या है हमारा माइनस वन, इस तरीके से क्या है हमारा सीओपी निकल गया। अगर चाहे इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ये प्रेशर रेशियो है, ठीक है, इसको प्रेशर रेशियो, इसको आरपी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस तरीके से इस जगह पे क्या रख सकते हैं, आरपी भी लिख सकते, आरपी लिख करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 1 upon RP power क्या हो जाएगा, RP power gamma minus 1 upon gamma minus 1। ये इस तरीके से क्या है हमारी क्या है
सीओपी निकल जाएगी। ठीक है, इस किसके लिए, बेल्टन जूल साइकिल या फिर जूल या बेल्टन या बेल कॉलिनर साइकिल, इस तरीके से क्या है इसकी सीओपी हम निकाल लेंगे। और पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करेंगे, इसका जो प्रोसेस चलेगा प्रोसेस को देख लेंगे, कौन सा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला दिखाएंगे। और फार्मूला ये दिखाने के बाद में क्या है, इसमें क्या है, हम देखेंगे कि जो प्रेशर हमारा है क्या है, दोनों जगह पे सेम है, तो सेम प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और इस तरीके से दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, और दोनों पक्ष बराबर होने के बाद में हम थोड़ा सा माइनस एक माइनस करके और इस तरीके से हम सीओपी इसके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, बेल्टन जूल साइकिल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, थैंक यू।